नहीं इसको नहीं, वो आइडिया कैंसिल है, कर दिया नेड। मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही है कि इसको आइडिया है। और अरे बाप रे, क्या मारा, मॉर्टल का मजा आ गया। ड्रिंकिंग वाला मतलब स्प्रे, सेक्सी स्प्रे हमारा। एंड मॉर्टल आई थिंक एक पूरी टीम को अकेले वाइप कर सकता है, डर्ट की हाँ, पूरी अगर टीम यहाँ ये पे। नेड लगा, अगर ये नेड हिट किया करेगा और ये या करेगा नहीं। यार थोड़ा सा हिट किया और उसको लेकिन ज्यादा डैमेज नहीं दे पाया। ओ दैट वाज अ यहाँ पे हेडशॉट, डर्ट दैट पे वाज अ सकता हेडशॉट बाय द वे। एंड बहुत ही बढ़िया स्प्रे बाय मॉर्टल। और है। आई यहाँ थिंक पे डर्ट की टीम को ये लोग इजी वाइप यस आउट कर निकाल देंगे। निकाल लिए भाई मॉर्टल। जो भी सोल की टीम है उनपे दो चार बंदे किल्स आ नॉकआउट चुके हैं हैं। या दो बंदे नॉकआउट हैं, दो बेचारे कोने में बैठे होंगे, ये खचा खच दोनों खत्म। यहाँ पे ये मॉर्टल खत्म करेगा इसको। और यहाँ पे तुम देख सकते हो मॉर्टल ने अपने खाते में एक किल ले लिया। तब काफी बढ़िया सा माहौल हो चुका है इनका। एंड यार अभी सारे लूट रहे हैं लोग, कोई देख रहा है हेल्थ ज्यादा कम भी नहीं हुई, कोई नॉक भी नहीं हुआ, मतलब इजीली सामने वाली टीम को निकाल दिया। और यहाँ पे जो टीम नंबर एक बंदे को सेवनटीन ढूंढने के लिए पूरी टीम एक घर में घुसी है, बट वो निकलने का नाम ही नहीं ले रहा। नहीं मैं हिला, वो हिला 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 गया। हार्ट अप बेटा देख। ओ बहुत, मतलब हिलता नहीं ना वो, पूरा पूरा मैप काम कर लेता। मैं तेरे को बता रहा हूँ, इज्जत से काम कर लेता वो पूरा वो मैप। नेड लेके चारों को ले सकता था, नेड लेके बस चला जाता, वो भी अपने आराम से सबको ले सकता था। बट हाँ जैसा कि मतलब गाइस खुद भी आपने मर जाता, देख, सामने वाले भी मर जाते। हमारे यहाँ 3v स्क्वाड खेल रहे हो, ओके उसमें देखा होगा कि लास्ट तक। तो गाइस इनके पास भी 2 किल्स आ चुके हैं, आप लोग देख सकते हो मॉर्टल की टीम ने एक पूरी स्क्वाड वाइप कर रखी है, उनके पास 4 किल्स है। एंड देखता ईएस की जो हूँ टीम है उनने 2 स्क्वाड्स वाइप करी है। एंड हियर इज आवर फिफ्थ एयर ड्रॉप विद द M249, विद द डेडली M249 विद 100 एमुनेशन ऑफ 5.56 एक्सटेंडेड क्विक ड्रॉ मैग, एंड इवन जो तुम्हारी मिलिट्री वेस्ट और हेलमेट होता है level 3 का। एंड यहाँ पे यार इन वेक्टर लोग के के काफी पास क्लोज पड़ा है, है, यस सोल के सीरियस काफी वेक्टर क्लोज के है। पास पड़ा है। क्या लगता है भाई, मेरे को ऐसा फीलिंग आ रही है मॉडल गए हैं सब कुछ, तो level 3 अब सॉल्व करेंगे। तो मतलब अभी मॉर्टल इन लोग के पास कितने ड्रॉप्स आ गए, हम लोग ने ही 3 देख लिए ड्रॉप्स जो मॉर्टल इन लोग के पास आए 5 में से। एंड इवन गाइस यहाँ पे तुम देख सकते हो हमारी जो टीम है टीम नंबर 9, वो लोग जा रहे हैं अभी आगे। अच्छा और हमें अब देखना पड़ेगा सोल की टीम को कितना आगे ये लोग ले जा पाएंगे। गाइस आप लोगों को क्या लगता है, सोल की टीम ये पूरी आराम से, मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही है आराम से लोग सोल जीत जाएंगे। तो यार मतलब हम लोग ने यार ये चीज पहले ही बोल रखी है कि तुम लोग अपना जो कमेंट्स है वो स्पैम करते रहो कि तुम कौन कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हो। एंड इवन जो यहाँ पे है 2E4 आई टू थिंक ई घायल फोर का ये टू ई चौथा जेड नॉक फोर होगा, ओके घायल भाई चौथा तुम कितने घायल हो रहे हो यार। थप्पड़ भाई उसको रिवाइव दे दे के थक गया यार। घायल भाई रिवाइव हो के थक गया, एंड ही इज थप्पड़ भाई वन रिवाइव एचपी, दे ही दे इज के वन बस। एचपी एंड आकाश भाई आकाश। सुपर ओह अरे ओह माय रे, गॉड, दैट सैड वाज अ टाइम भाई। रियली ग्रेट प्रे बाय आकाश। एंड पूरी घायल की टीम, घायल थप्पड़, सब घायल थप्पड़ हो चुके हैं अभी के लिए। तो मालूम नहीं क्या होगा इन लोग का, लेकिन फिर भी मतलब से सार मर से थप्पड़ गए। बोलेगा घायल से, भाई तू कितनी बार घायल हुआ, तेरे को मैं रिवाइव कर करके मेरे को थप्पड़ मारने का मन कर रहा है। बट फाइनली ये लोग यहीं से हमें अलविदा बोलते हैं। मे बी और इन यहाँ पे लाइफ मॉर्टल की टीम भी लड़ रही है टीम नंबर 20 से, सो दैट्स गोना बी इंटरेस्टिंग। साइड से एक और टीम आ रही है, क्लोज इन कर रही है। एंड इवन यार ये ऐसा टाइम है ना जहाँ पे सारी टीम्स जो है जोन में क्लोज इन कर दी है, क्योंकि जो अपना फोर्थ जोन है वो ऑलमोस्ट स्टार्ट ही हो चुका है। स्टार्ट 3 2 1 जोन स्टार्ट हो चुका है। एंड इवन यार 23 मिनट्स हो चुके हैं अपने गेम में, स्टिल 12 टीम्स आर अलाइव, 46 मेट्स आर अलाइव। एंड इवन यार अब तो यार काफी मजा आएगा क्योंकि फोर्थ जोन भी स्टार्ट हो चुका है। जैसे ये जोन क्लोज होगा तब मतलब अपने वो काफी लाइक कॉम्प्लेक्स सा जोन देखने मिलेगा, और काफी कम प्लेयर्स एक छोटे जोन में देखने मिलेंगे, काफी ज्यादा प्लेयर्स एक छोटे जोन में देखने मिलेंगे। मेरे को फीलिंग आ रही है लास्ट वाला जो हमारा सर्कल होगा ना, उससे बहुत सारे में सांप देखने को मिलेंगे। बट कुछ कह भी नहीं सकते क्योंकि कभी कभी सांप बनना ही पड़ता है, हाँ वो तो बनना पड़ता है अगर और मतलब मैं तो पूरा बहुत खुला बनता हूँ। जोन बन जाए तो। आई एम रेडी फॉर सांप, आई एम ऑलवेज रेडी फॉर सांप, टेंशन ही नहीं है, एक हर फुल दिन सांप स्नेकिंग खाता हूँ। ब्रो। और यहाँ पे तुम देख सकते हो टीम नंबर 17 के सामने कोई भी है नहीं, लेकिन फिर भी इन लोग लाइक एश्योर कर रहे हैं कि कोई नहीं है, लेकिन इन लोग के साइड से टीम निकल चुकी है, उन लोग को वो चीज नहीं मालूम है। तो कोई यहाँ नहीं, पे शिवी एंड कॉस्टिक लोग बचे हुए हैं, देखना होगा। गाइस आप लोगों को क्या लगता है ये लोग सरवाइव कर पाएंगे? इन लोग के 8 किल्स हैं यार। जो भी अच्छी अच्छी टीम्स हैं जिनके अच्छे अच्छे किल्स हैं उन लोगों को तो यार कुछ टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। और यहाँ पे तुम देख सकते हो सोल की जो टीम है वो एक ही कंपाउंड मतलब लाइक होल्ड करके बैठे हैं, उन लोग ना आगे जा रहे हैं उन लोग ना पीछे आ रहे हैं। और यहाँ पे तुम देख सकते हो अच्छा ऊपर एक टीम थी, एंड इवन यार इन लोग ने उनको मतलब खत्म सा कर दिया ऐसे टीम नंबर 8 को। इन लोग के हाथ में आ चुके हैं 11 किल्स, सो दैट्स लाइक डबल डिजिट पे आ चुके हैं यार। मतलब बिल्कुल मतलब फिफ्थ जोन अभी स्टार्ट होने ही वाला है। एंड इवन इन लोग के पास इतने किल्स आ चुके हैं बाई द लास्ट जोन, अगर इन लोग ने एटलीस्ट लाइक 17 18 किल्स कर लिए ना भाई मजा आ जाएगा। एक और स्क्वाड इन लोग ने वाइप कर लिया ना तो मतलब लाइक आतंक 12 मचा देंगे किल्स लोग। इनके पास गाइस, ये बहुत मैटर करेगा इनके लिए, बहुत ही ज्यादा। आई थिंक दिस इज द टीम विथ हाईएस्ट किल्स फॉर नाउ। हम ईएस वालों के पास भी 8 किल्स थे शायद से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग।
गाइस हमें देखना होगा, आई थिंक सोल की टीम इनके आस पास ही है, क्या लगता है फ्यूचर सोल की टीम के पास? ये पे सोल के तो इन लोग के आगे अलग कंपाउंड में है, एंड इवन यार ओके नहीं, सोल वाले जो हैं दूसरे कंपाउंड में जा चुके हैं, एंड दिस इज द ओनली कंपाउंड इन द, दिस इज द ओनली कंपाउंड इन द जोन, यस ऑब्वियसली, एंड इवन यार ये सांप का जोन होने वाला अपने को मालूम तो यहाँ पे गिर ही चुका है, एंड इवन जो टीम नंबर 24 की, जो टीम नंबर 24 है, उन लोग मतलब काफी अच्छा एक बहाना उस पकड़ के बैठे हैं, उन लोगों को कोई टेंशन नहीं, और यहाँ पे तुम देख सकते हो गाइस डीपी का स्प्रे, सारे मतलब दो बंदे नॉक हो चुके हैं, दो बंदे लो हैं, एंड ये वही टीम थी जिनके पास काफी ठीक किल्स हैं। तो हमें देखना होगा गाइस कि आकाश की टीम अभी तक इनके पास तीन थे और इनके बंदे भी बेचारे तीन ही बचे हैं, क्या लगता है? और एक पुश दे ब्रो, पुश दे, नहीं हो पाएगा, ये खत्म हो जाएगी, यस टीम नंबर 13 वेल प्लेड, एक के साथ पूरे 7-7 किलो जी, यप टीम नंबर 13 ने काफी अच्छा खेला, 12 किल्स थे उन लोग के, सर्वाइवल भी उन लोग की अच्छी थी, टॉप 10 में भी आ गए, और अभी तो यार देखना यही है कि ऑब्वियसली फाइनल स्टैंडिंग्स में तो जो भी है सब कुछ मतलब लाइक प्लस माइनस हो के आ जाएगा, तो मतलब अपने को मालूम गिर जाएगा, 7 किल्स हैं, एक के पास 12 हैं, तो मेरे को लगता है ऐसी फीलिंग थी मजा आने वाला, तो यार अभी देखना है कि क्या होगा और क्या नहीं, लेकिन अभी तो यार लाइक सीरियसली अभी तुम यहाँ पे देख सकते हो जो अपने स्क्वाड्स में पे लड़ाई हो रही है, टीम नंबर 24 वर्सेस टीम नंबर 18, दिस इज द ओनली कंपाउंड इन द जोन, एंड इवन यार ये जो कंपाउंड में है ना काफी लोग जो है पुश करने वाले हैं, एंड इवन अपने को काफी फाइट अपने को देखने मिलने वाली है, यहाँ पे तुम लेफ्ट साइड में देख सकते हो काफी जो बंदे हैं, नॉक है, लो है, ओ माई गॉड दैट वॉज ओके, दैट वॉज ओपी, इजिली निकाल सकता था वाई एच डी शैडो लेकिन नहीं निकाल पाया, और रौनक की यहाँ पे सोल की टीम से फाइट हो रही है, अगर क्या लगता है कि सोल की टीम यहाँ पे निकाल पाएगी? तो यार अभी देखना तो यही है क्योंकि जो सोल की टीम है वो एक ही अभी जो है घर में बैठी हुई है, एंड इवन जो है इन लोग टोटली सराउंडेड है, जो इन लोग टोटली तो सराउंडेड नहीं है, सामने में इन लोग के दो टीम्स है, लेफ्ट में इन लोग की एक टीम है, सो दिस इज गोना बी इंटरेस्टिंग, क्योंकि यार अभी सबको जोन में जाना है, सबको जोन में मूव करना है, एंड इवन जो फिफ्थ जोन है गाइस वो स्टार्ट हो चुका है, लाइक फिफ्थ जोन खत्म हो चुका है, सिक्स जोन स्टार्ट हो चुका है, 27 मिनट्स हो चुके हैं अपने गेम को स्टार्ट हुए हुए, एंड इवन यहाँ पे तुम देख सकते हो देयर 8 टीम्स अलाइव एंड 27 प्लेयर्स अलाइव, गाइस टीम नंबर 24 यहीं पे, एंड सोल की पूरी टीम बची हुई है 7 किल्स के साथ, तो बहुत ही देखा जाए तो गाइस सोल की टीम के पास किल्स एंड वो एडवांटेज दोनों बहुत ही अच्छा है, yep. और अगर ये वाइप करती है तो आई थिंक यहाँ पे डबल डिजिट किल्स आ जाएगी इन पे, यस 9 किल्स तो यार अभी के लिए हो ही चुके हैं, एक और किल ले ली तो यार डबल डिजिट हो जाएंगे, और इसने यार एक बंदे को स्पॉट भी कर लिया मॉर्टल ने, एंड इवन अभी देखना ये है कि ओ माय गॉड Easy kills, dude. Easy kills. Okay, shots पड़े. Headshot पड़ा सामने लोगों. Circle देख रहे हो कितना छोटा है. 24 लोग अलाइव हैं. और बड़ी बात यह है कि इसमें सांप नहीं बनेंगे अब लोग क्योंकि ये एक ही कंपाउंड पे बेस्ड है पूरा सर्कल. एकदम अगर क्योंकि कंपाउंड है इनके पास और सोल की टीम के पास एडवांटेज है तो आई थिंक सोल की टीम यहाँ पे वाइप आउट कर सकती है सबको. तो यार अब देखना तो यही रहेगा कि क्या होगा इन दोनों के बीच में, मतलब इन दोनों के नहीं काफी टीम्स के बीच में, तुम यहाँ पे देख सकते हो टीम नंबर 19, टीम नंबर 18, टीम नंबर 24, सोल की टीम, सारी टीम्स यहीं पे मतलब लाइक मतलब पूरा कोलैप्स हो चुके हैं, एंड इवन गाइस तुम यहाँ पे देख सकते हो जो है क्रेजी ओल्ड मॉन्ग, गौरव भाई, सारे ये जो है पोचिंग की में उतरे थे, अभी के लिए तो यार इन लोगों के पास 0 टीम किल्स हैं, लेकिन देखना तो यही रहेगा कि लास्ट में कुछ कर लें तो यार मतलब मजा सा आ जाए, सारी टीम्स को क्लोज इन करना है जोन में, टीम नंबर 22, टीम नंबर 14 है जोन के बाहर, टीम नंबर 15 का एक बंदा स्काउट कर रहा है टीम नंबर 14 को, अब देखना तो यही रहेगा कि क्या वो टेकआउट कर पाएगा, ऑब्वियसली वो प्रोन रहेगा, सीरियसली यार क्या ही बोल, सोल की टीम के पास देख रहे हो पूरे डबल डिजिट किल्स आ चुके हैं, 10 किल्स आ चुके हैं और अभी भी चारों बंदे अलाइव हैं, एंड इवन अभी के लिए तो 6 टीम्स अलाइव हैं, 16 प्लेयर्स अलाइव हैं, सो दिस इज गोना बी इंटरेस्टिंग मैच, मेरे को लगता है कि यहां पे मेरे को लग रहा है कि आराम से सोल की टीम निकल जाएगी, क्या बोलते रही बात इन लोग का अभी जोन में ही रहना का मतलब ज्यादा फेवर करना पड़ेगा, एंड इवन जो इन लोग के सामने वाले बान हाउस में टीम थी उन लोग के दो बंदे नॉक है और इन लोग पुश भी कर रहे हैं अभी के लिए, एंड मेरे को लगता है ये खत्म कर देंगे, नीड से उड़ाया और यहां पे पूरी आराम से लोग जीतेंगे बिना किसी प्रॉब्लम के, यस तो अभी के लिए इन लोग के खाते में आ चुके हैं 12 किल्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 12 या फिर 14 किल्स, एकदम बीच में, एकदम ही एकदम बीच में, एंड इवन यार जो अपना 43 सेकंड में जो है नेक्स्ट जोन स्टार्ट होने वाला है और नेक्स्ट जोन क्लोज होगा इन ऑब्वियसली नेक्स्ट 30 सेकंड्स, एंड
तीनों तीन बंदे अलाइव, चारों बंदे अलाइव है मॉर्टल की टीम के, और 14 लोग अलाइव है, 14 किल्स हैं मॉर्टल की टीम के पास, मतलब 14 किल्स हैं और अभी भी तीन टीमें बची हैं, तो मतलब आई थिंक आराम से, और यहाँ पे मेरे को लग रहा है ऐसी मॉर्टल की टीम आराम से ले जाएगी। और अभी के लिए यार मॉर्टल के पीछे भी एक टीम है, तो उन लोग को मतलब देखना पड़ेगा कि पीछे आगे है या फिर नहीं। इन लोग पीछे से आए इसलिए उन लोग मतलब ऐसा लग रहा रहेगा उन लोगों के पीछे पूरा क्लियर है, लेकिन उन लोग के पीछे भी एक टीम है। शायद से यार एक बंदा निकाल जाए पीछे वाली टीम। तो यार अभी यहाँ पे तुम देख ही सकते हो ओवेस वगैरह जो है सारे, मतलब लाइक सोल की जो पूरी टीम है आराम से इधर मतलब घर काम कर रही है, सारे लोकेशंस वगैरह देख रहे हैं, सारे एंगल्स देख रहे हैं। एंड इवन यार मतलब बस छत वत पे चढ़ गया था यार ये, तो क्या बोलूँ यार रौनक को मैं। चलो यार कोई नहीं, एंड इन लोग को शायद से मालूम गिर गया। ओके मॉर्टल नॉक हो चुका है यहाँ पे, मतलब कुछ ज्यादा ही ओपन चला गया था मॉर्टल। एंड इवन जो सामने वाला बंदा है ही इज 10 HP फॉर नाउ, एंड इवन बहुत ज्यादा अभी मतलब मॉर्टल की टीम यहाँ पे मॉर्टल डाउन हो चुका है, क्या लगता है निकाल पाएगा? हाँ देखना ही है यार, अभी यहाँ सामने तो दो ही बंदे बाकी हैं, अब देखना तो यही रहेगा कि कौन निकाल क्या किसको निकाल पाएगा। यहाँ पे सामने वाली टीम का एक बंदा नॉक हो चुका है, जोन भी उनके फेवर में नहीं है, एक ही बंदा बाकी है। आराम से टोल की टीम के लिए मैच बहुत ही इजी था, सबके पास लेवल का लोड आउट क्रेज क्रेजी ओल्ड मॉन्ग। और यहाँ पे गाइस देख सकते हो चार बंदे लाइव, सिर्फ एक बंदा बचा है, उसको तो दौड़ा के मार रहे हमारे बेचारा, वो कहाँ किस कोने में छुपा है, बहुत ही अच्छा ट्राई कर रहा है, ट्राई कर रहा है। और इसी के साथ सोल की टीम ने आराम से मैच जीत लिया, क्या बात। और जैसा कि मैंने पहले ऑलरेडी बोल रखा था ये टीम बहुत ही यू नो बोलते हैं ओपी ओपी टीम है, बहुत ज्यादा ओपी टीम है, 18 किल्स आराम से, कितने ज्यादा किल से लोग निकाले हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। तो यार अभी तो इन लोग के मतलब तुम सारे स्टैंडिंग्स वगैरह देख सकते हो, तो अभी कुछ ही देर में अपने को मालूम गिर जाएगा कि इन लोग के स्टैंडिंग्स क्या है, कौन कौन सी टीम्स जो है राउंड टू के लिए क्वालिफाई हो चुकी हैं। तो गाइस अभी आप लोग को क्या लगता है कि अभी हमारा ये पहला मैच था गाइस, अभी तीन मैच और होने बाकी है, अभी तीन मैच और हमें बताएगा कि और कौन कौन सी जो टीमें हैं जो यहाँ तक क्वालिफाई करने के बाद भी यहाँ तक आई हैं। हमारे मस्ताना भाई भी एकदम रेडी है गाइस, जैसा कि आप लोग नीचे देख सकते हो हमारे मस्ताना भी एकदम रेडी है। अब देखना है यार यहाँ पे क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, और यहाँ पे सारी टीम्स के स्टैंडिंग